जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। घर में दुर्भाग्य रहता है, घर में संतान सुख नहीं मिलता, घर में आर्थिक सुख नहीं मिलता, घर में पारिवारिक सुख नहीं मिलता, घर में न जाने कितनी सारी परेशानी तकलीफें हमें झेलना पड़ती। तो क्या दुर्भाग्य योग है, क्या दुर्भाग्य है, इन सभी चीज़ों को विस्तारपूर्वक आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के मन में बहुत सी व्यथाएँ चलती रहती, बहुत सी कुंठाएँ चलती रहती, जब वो मन में बहुत दुखी और आहतित होता है, तो जितना दुख है, जितनी पीड़ा है उसके मन में चल रही है, वही उसे वास्तविकता में अपने घर के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं सबसे पहली और मूल बात कहता हूँ कि इसके पीछे जो ग्रह दोषी है वो है राहु, और राहु की एक सबसे बड़ी कल्पित चीज़ें हैं वो छाया ग्रह है। और छाया ग्रह का होना ही एक व्यक्ति के जीवन में जो चीज़ें नहीं हैं उन सभी की कल्पना करके, नेगेटिव कल्पना करके, और व्यक्ति उनमें उलझते हुए जाता है। मेरा निवेदन है आपसे कि सबसे पहले इस चीज़ को आपको सही करना है, अन्यथा आपका दुर्भाग्य दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होगा, दुर्भाग्य और बुरा होगा, और चीज़ें हमारी लाइफ में वैसी सडन खराब होगी। तो इस पर बंद करना है। कैसे बंद करना है? सबसे पहली बात है, जो भी मन में कल्पनाएं चल रही, कपोल कल्पनाएं, नकारात्मकता चल रही, उन्हें धीरे धीरे खत्म करें। उन्हें वो गलत है, वो सही नहीं है। कोशिश करें अपने गुरु मंत्र का जप करने का, कोशिश करें एक पॉजिटिव माइंड सेट बनाने की, कोशिश करें अच्छी चीज़ों पर गौर करने की, कोशिश करें गीता का पाठ करने के लिए, रामायण का पाठ करने के लिए, भगवत गीता का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपना जितना माइंड का जो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को एक पॉजिटिविटी की ओर आपको डेडिकेट करना होगा, तभी हम राहु के भ्रमजाल से निकल पाएंगे, क्योंकि राहु ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य लेकर आता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि राहु कितना खराब ग्रह है जो हमारी लाइफ में दुर्भाग्य को लेकर आता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जातकों को लगता होगा कि आप हमें सरल तरीका बताएं कि जिससे हम इस पूरे दुर्भाग्य से बाहर आ जाएं। सरल तरीका आप ये जान लें कि नियमित रूप से अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, इत्र लगाएं, और वहीं शिवालय में बैठकर कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। या नहीं कर सकते तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए कि जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, जिसकी जो भी ज़रूरत हो, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप जो भी डेडिकेट डोनेट कर पाए वो डोनेट करने की एक आदत डालें। चाहे शिक्षा हो, अच्छे विचार हो, जो भी हो वो डोनेट करें। उससे राहु पॉजिटिव होगा और राहु के जितने प्रभाव से बच जाएंगे। ओम नमः शिवाय।